गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताएंगे बबल सॉर्टिंग के बारे में। बबल सॉर्टिंग क्या होता है, उसका कैसे हम प्रोग्राम बताते हैं। इससे पहले अभी हमने बताया था आपको बबल सॉर्टिंग से, अब हम इंसर्शन सॉर्टिंग से बताया था, बबल सॉर्टिंग से बनाते हैं। फर्स्टली वी राइट हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड कोनिया डॉट एच, देन वाइड मैन। वाइड मैन हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड इंटीजर टाइप डेटा टाइप ले लेंगे। फिर एक एरे लेंगे, ठीक है, जो एरे की मेमोरी हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। हमने जैसे इसमें ले लिया 15, ठीक है। अब जैसे हमको जितने भी ज़रूरत पड़ती रहेगी वेरिएबल्स की, उस टाइप से हम यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आगे आपको प्रोग्राम बना करके दिखाते हैं। फिर हमने क्या किया है, इसमें एक अब CLR SCR फंक्शन लगाया जो हमारे क्या कराएगा, स्क्रीन को क्लियर कराएगा। जो हमने पहले से प्रोग्राम बनाए होंगे उनको क्या करा देगा, अरेज कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्या कर देगा, न्यू हमारा लेकर के आ जाएगा। देन एक प्रिंट ऑफ फंक्शन लेंगे जिसमें हमने क्या किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, एरे के अंतर्गत कितने एलिमेंट्स हैं इनपुट कीजिए, ठीक है। देन %d scanf के अंतर्गत %d, क्योंकि इंटीजर टाइप डेटा टाइप दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने लिया एड्रेस n की हमको ज़रूरत पड़ी तो हम वेरिएबल के अंतर्गत n को भी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमारे क्या चलाए गए, इस जो हमने n को इनपुट कराया है यूज़र के द्वारा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, एक ऊपर i ले लिया है, तो i को हम क्या कराएंगे, i = 0 और i > n i++। अब i की वैल्यू क्या चलेगी, n तक चलेगी। i जो भी n हम इनपुट कर देंगे, 5, 10 जो भी हम इनपुट कर देंगे, वो क्या करेगा हमारा इसके अंतर्गत प्रिंट करा देगा। देन अब एक हम फॉर लूप लगाएंगे दूसरा, जिसके अंतर्गत हम क्या कराएंगे, सॉरी स्कैनफ लगाएंगे जिसके अंतर्गत क्या कराएंगे, हम वैल्यू जो हमने एरे के अंतर्गत इनपुट किया है उसको हम क्या करेंगे, एरे के अंतर्गत कॉल अप कर पाएंगे। अभी हमने क्या क्या लिखा है, एक मैसेज दे दिया, एंटर द एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आप इनपुट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे मैसेज एक दे देंगे, %d एड्रेस एरे, जो AR हमने लिया है एरे, ठीक है, उसमें हम क्या कराएंगे, आई को कॉल अप करा लेंगे। आई को हम कॉल अप कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कराएंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लेंगे जिसके अंतर्गत i = 0 कर रखा है हमने, और i की वैल्यू हमने क्या कर दी, किसके बराबर लेकर के जाना है, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था n, तो n++ करा लेंगे इसको, ठीक है। अब एक दूसरा फॉर लूप लेंगे जो हमारा क्या चलाएगा, i की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे j ले लिया, ठीक है, तो j को अब ऊपर डिफाइन करेंगे, देन j की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, इंक्रीज करा देंगे। j हमने क्या लिया है, i और j जो हम क्या कराएगा, स्वैप कराएगा वैल्यू को, ठीक है। इसलिए दो फॉर लूप लगाए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, if array j greater than equal to j plus 1। j प्लस वन ने क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या करेगा, हर बार इस लूप को क्या कराएगा, इंक्रीमेंट कराएगा, देन क्या कराएगा, कंडीशन को कॉल अप कर चलाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एक यहाँ पे अब क्या लिखें, एक हम j लिख लेंगे, ठीक है। j क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, j को यहाँ पे कॉल अप नहीं लिखा नहीं था, एक हमने टेम्परेरी वैल्यू ले ली, ठीक है, जो हमारी क्या कराएगा, वैल्यू को स्वैप कराएगा, ठीक है। स्वैप कराने के लिए हमने क्या किया है, टेम्परेरी एक वैल्यू ले ली, ठीक। एक एरे जो हमारा जे तक जाएगा, और जे को हमने क्या कर दिया, टेम्प में डाल दिया, ठीक है। फिर एरे j+1 बराबर हमने क्या कर दिया, एरे जे जो टेम्परेरी वैल्यू हमने डाली थी उसको हमने क्या कर दिया, j+1 के बराबर हमने कर दिया, ठीक है। देन अब क्या कराएंगे, हम
जो जे प्लस वन हमारा आएगा, ठीक है, जे प्लस वन को हम क्या कराएंगे, टेम्प्रेरी वैल्यू में डाल देंगे, यानी जो पहली वैल्यू हो गई वो सेकंड में करेंगे, सेकंड वैल्यू को हम क्या कराएंगे, फर्स्ट में करा देंगे। तो इस टाइप से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, आपस में स्वैप हो जाएगा जा करके, ठीक है। तो हमारा ये जो इफ़ कंडीशन से और चालू होता है, जिसमें हमने तीन स्टेप्स हमने लगाए हैं, ये क्या कराता है, हमारे वैल्यू को आपस में स्वैप करा करके देता है, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसमें एक इफ़ वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, एक फॉर वाला क्लोज होगा, एक सेकंड फॉर वाला क्लोज होगा। तो हमारे तीन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। देन अब उसके बाद में हम क्या कराएंगे, इसके अंतर्गत जैसे हमने जे लिख लेंगे, देन अब क्या कराएंगे, यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंतर्गत अब हम इसका आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट लेने के लिए भी एक हमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हम इनपुट कराते हैं उसी प्रकार से हमारा आउटपुट आता है। तो एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमारा जीरो से चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। देन हम क्या कराएंगे, प्रिंट ऑफ कराएंगे, जो हमारे क्या करेगा, उस आउटपुट को देगा, ठीक है। परसेंट डी एरे, और एरे में क्या करा लेंगे, आई को कॉल अप कर लेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड गेट सी एच, ठीक है। और इसके द्वारा हमारा क्या होगा, ग्रीन अब रन कराएंगे। यहाँ पे हमने प्रोग्राम दिए एंटर, एलिमेंट्स हमने 7 इनपुट किए, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा, कह रहा है कि आप वो नंबर इनपुट कीजिए, जैसे 8, 3, 5, 1, 6, ये हमने क्या किए हैं, नंबर इनपुट कर दिए, ठीक। 9, देन क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यू एक और हम डाल देते हैं 2। तो हमारे क्या करें, 2, 1, 2, 3, 5।